हेलो एंड वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। आई डॉक्टर अमित सिंह खोखर वेलकम यू टू दिस न्यू यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, हिंदी में कहते हैं वनी मदर। आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि करेंसी होती है किसी भी कंट्री में, करेंसी अगर इंडिया की बात करें तो 1 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन के इंडिया में करेंसी के नोट्स हैं, कॉइन्स भी हैं, उनके बारे में आप मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। करेंसी के नोट्स का इस्तेमाल होता क्या है, बेसिकली आप सेविंग्स के लिए भी कर सकते हैं कि घर में उनको बचा करके रख लें अपने आने वाले वक्त के लिए, या फिर आप उसको खर्च कर सकते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट में जाकर के आप उसको बेच सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप इस करेंसी को यूज करना चाहें जब आप इंडिया से बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए, आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं, आप वहां टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वहां आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इंडिया की करेंसी में वहां पे कर सके? क्या एक अमेरिकन अगर इंडिया में आए घूमने के लिए तो क्या वो यहां अमेरिकन डॉलर्स में पे करे परचून की दुकान पे और कहे कि मुझे 1 किलो चीनी दे दे और दुकानदार उसको चीनी दे देगा? मुश्किल है, या यूं कहिए कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी कंट्री में लोकल परचेज जो होता है वो वहीं की करेंसी में होता है। अब करेंसी की जब हम बात करते हैं तो करेंसी मनी का एक फिजिकल फॉर्म कह देते हैं हम उसको, कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हो सकती हैं। इंडिया की बात करें तो रुपया जो है वो यहाँ की करेंसी है, ऐसे ही संसार के जितने भी देश हैं सब में अपनी अपनी करेंसी है, किन्हीं भी दो देशों में सेम करेंसी नहीं है। अगर हम डॉलर की भी बात करें, डॉलर अमेरिका में भी है, यूएसए की करेंसी जो है वो डॉलर है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज में डॉलर है, कनाडा में या सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर जो है वहां की करेंसी है, लेकिन दे आर डिफरेंट। अमेरिकन डॉलर, कनेडियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो सारे अलग है। रुपया अगर इंडिया की करेंसी है, रुपया पाकिस्तान की भी करेंसी है, लेकिन इंडिया का रुपया और पाकिस्तान का रुपया दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को हम सेम नहीं समझ सकते कि इंडिया का रुपया लेकर के पाकिस्तान में जाइए और वहां शॉपिंग कीजिए और पाकिस्तान का रुपया लेकर के इंडिया में आइए यहां शॉपिंग कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज की। तो ये जो करेंसी की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर, यूके की करेंसी है दिस इज ब्रिटिश पाउंड, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है बेसिकली? दीज ऑल आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, इनको हम कहते हैं विदेशी विनिमय कहते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें, हमारी जो करेंसी है रुपया वो हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी है, घरेलू मुद्रा है हमारे लिए। उसके अलावा संसार के जितने देश है सबके पास ऐसे ही अपनी अपनी घरेलू मुद्राएं हैं, उनकी घरेलू मुद्रा यानी भारत की घरेलू मुद्रा जो रुपया है उसके अलावा सारी करेंसीज हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज हैं। अपनी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है, घरेलू मुद्रा है हमारे लिए, बाकी सारी फॉरेन एक्सचेंज हैं। बुक्स में आपको बताया जाता है कि दूसरे देश के लोगों के लिए रुपया जो है वो एक फॉरेन एक्सचेंज है, और उनकी अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो यूएस डॉलर है वो उनके लिए डोमेस्टिक करेंसी हो जाता है। यहां मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उन सब के लिए इंडिया की करेंसी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, और उन सब की करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फॉरेन एक्सचेंज है बेसिकली एनी करेंसी अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी, वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जब एक करेंसी हमारे पास में है और दूसरी करेंसी हमें चाहिए, जैसा कि अभी हमने बात की कि अगर हमें विदेश में जाकर के कुछ खर्च करना है, कुछ परचेसिंग करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ पेमेंट्स करनी है हमें, तो उसमें हमें वहां की करेंसी में ही पे करना होगा। सपोज हम जाते हैं रशिया और रशिया में जाकर के हमें कुछ शॉपिंग करनी है, या हम जाते हैं चाइना, चाइना में जाते हैं और वहां हमें कुछ शॉपिंग करनी है, तो हमें वहीं की करेंसी चाहिए होगी। चाइना की करेंसी है युआन, तो हम वहां पेमेंट जितनी भी करेंगे वो युआन में ही करेंगे। इंडिया की करेंसी को युआन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब जैपनीज इंडिया में आएगा तो वो अपनी करेंसी येन लेकर के आएगा और इंडिया की करेंसी रुपीज में कन्वर्ट करके वो यहां पेमेंट करेगा। तो ये सिस्टम है, दैट मींस कि वन करेंसी इज एक्सचेंज इनटू अनदर करेंसी, कि एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने के बाद ही आप, यानी घरेलू मुद्रा को प्राप्त करने के बाद ही आप उसके बाजार में किसी प्रकार की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कुछ भुगतान कर सकते हैं। इंडिया की जो करेंसी है रूपी, उसके बदले में हमें चाहिए युआन, येन के बदले में चाहिए रुपया, तो कैसे हो? तो कोई रेट तो फिक्स होना चाहिए ना मार्केट में, तो वो मार्केट जहां ये सब अदला बदली होती है वो कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय का बाजार है वो बेसिकली। जैसे कि मार्केट होती है किसी भी चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, वहां क्या होता है अदला बदली तो होती है, वहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है, वहां गुड्स को सेल आउट किया जाता है, बदले में उसका प्राइस मिल जाता है। ऐसे यहां पे फॉरेन करेंसी परचेज कर ली जाती है, डोमेस्टिक करेंसी दे दी जाती है, या डोमेस्टिक करेंसी
ले ली जाती है, फॉरेन करेंसी दे दी जाती है, एक्सचेंज तो चलता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको हम बोलते हैं। अब ये एक्सचेंज रेट क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट से। जब हम बात करते हैं विनिमय दर की, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट, यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलना है तो वो किस रेट पे होगा, कितने रुपए दें एक युआन लेने के लिए या कितने येन लें एक रुपया देने के लिए, वो कहलाता है एक्सचेंज रेट। और बेसिकली एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट मैंने बता दिया कि द रेट एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड इनटू अनदर, यानी वह दर जिस पे एक मुद्रा का विनिमय होता है दूसरी मुद्रा के साथ में, वो कहलाती है विनिमय दर। अब बात करते हैं कि ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है। इसके तीन मेथड्स हैं, वैसे बेसिकली दो ही मेथड हैं जो रिकॉग्नाइज्ड मेथड हैं, तीसरा तो वो चोरी छुपे का मेथड है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में तीन मेथड्स को स्टडी करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है। थोड़ी इस बार के सेशन में हुई है डिलीशन, वो डिलीशन क्या हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका इंपैक्ट कितना है सिलेबस में, क्या कुछ आपको छोड़ना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग आर्थिक प्रणालियां हैं, ऐसे ही विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने की या निर्धारित करने की अलग अलग विधियां भी हैं अलग अलग। यहां पे हम तीन प्रकार की जो सिस्टम है उनके बारे में बात करने वाले हैं, फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, डर्टी फ्लोटिंग है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली क्या है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए भारत की जैसे करेंसी रुपया है और सरकार ये निर्धारित करे कि 50 रुपए का भुगतान करने पर $1 प्राप्त होगा, या जो व्यक्ति $1 का भुगतान करेगा उसे हम 50 रुपए का भुगतान करेंगे, तो दैट मीन्स कि डॉलर के परस्पर भारत की जो विनिमय दर है करेंसी की रुपए की वो हो गई 1:50, तो ये निर्धारित हो गया और फिक्स एक रेट सिस्टम हो गया, इसको हम कहेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थायी या स्थिर। और इसको निर्धारित किसने करा, इसको करा सरकार ने, दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे हम गवर्नमेंट, जब भी इसकी बारी आएगी तो गवर्नमेंट इसको करती है। फिर बात आती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, अगर हम देखें तो दुनिया के ज्यादातर देशों से ये व्यवस्था गायब हो चुकी है, जा चुकी है, भारत से भी जा चुकी है। इंडिया में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 91 के, उसके बाद से ये डिसाइड हुआ कि इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से हट करके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आएगा, और इंडिया में अब ये ही है सिस्टम जो अडॉप्ट किया हुआ इंडिया ने। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल कोई इंटरवीन नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती, कोई और गवर्नमेंट की एजेंसी भी नहीं करती है, यहां सारा का सारा जो डिटर्मिनेशन है, निर्धारण है, वो होता है मार्केट में। कौन सी मार्केट, वो जो कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। और इसमें कौन डिटरमाइन करता है, इसमें करती है डिमांड की फोर्स और सप्लाई की फोर्स, बाजार शक्तियां जिसे हम कहते हैं। वो आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई दोनों को हम डायग्राम में प्लॉट कर देते थे, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, यानी जहां दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां होता था इक्विलिब्रियम। ऐसा ही कुछ यहां पे होता है। हालांकि इस बार का जो सिलेबस है, इस सेशन का 2021 एग्जाम के लिए जो सिलेबस है, उसमें इसका डिटर्मिनेशन वाला पार्ट जो है हटा दिया गया है। तो जो डायग्राम बनाते हैं जिसमें डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को प्लॉट करते हैं और इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर, वो सिलेबस में इस बार नहीं है। और उसके अलावा उसमें पूछा जाता था कि उसमें अगर बदलाव आ जाए, डिमांड शिफ्ट हो जाए या सप्लाई शिफ्ट हो जाए, तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो भी नहीं सिलेबस में है। बस इतना पढ़ना है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और इनमें अंतर पूछा जा सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फिक्स्ड में और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस क्या है, ये बता दीजिए। फ्लेक्सिबल और डर्टी में क्या डिफरेंस है वो बता दीजिए। तो फ्लेक्सिबल बेसिकली क्या है, जहां मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती हो एक्सचेंज रेट को, कहां, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। थर्ड जो है यह है डर्टी फ्लोटिंग। दुनिया के हर देश में लगभग वैसे यही है रियलिटी में, तो हम डिक्लेयर तो ये करते हैं कि ये हमने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है संसार के हर देश में जो यूज में होता है। मान लीजिए इंडिया की ही हम बात करें, अगर इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वहां पे हम देखें कि इंडिया की जो करेंसी है फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में वो बहुत वीक हो रही है या बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो उसमें सेंट्रल बैंक जो होता है वो इंटरवीन करेगा। आरबीआई है जैसे इंडिया में, ऐसे दुनिया के हर देश में सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो अपनी अपनी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी डोमेस्टिक करेंसी के रेट को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कितना चल रहा है। जब उनको लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा कम हो गया या बहुत ज्यादा हो गया है, तो दोनों ही कंडीशन में वो इंटरवीन करता है सेंट्रल बैंक। और कैसे, उसके पास बहुत बड़ा एक स्टॉक होता है फॉरेन एक्सचेंज का,
अगर उसको लगता है कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई उतनी है नहीं, तो फॉरेन एक्सचेंज तो महंगी हो जाएगी ऐसे में, भाई डिमांड एंड सप्लाई का रूल है ये तो जब डिमांड ज्यादा हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो क्या करेगा, अपने पास से बल्क में सेलिंग कर देगा, बहुत ज्यादा सेलिंग करेगा फॉरेन एक्सचेंज की, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम चल रहा है, डोमेस्टिक करेंसी बहुत स्ट्रांग चल रही है, बहुत हाई उसके रेट हो गए हैं, तो वो क्या करेगा बल्क में बाइंग कर लेगा, बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज को वो क्या करेगा परचेज कर लेगा मार्केट से, उससे क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, जैसे डिमांड बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की तो फॉरेन एक्सचेंज महंगी हो जाएगी और डोमेस्टिक करेंसी सस्ती हो जाएगी। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या करता है, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंटरवीन करके। अब क्योंकि वो ये जो करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, वो क्यों मैनेज कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना, इसलिए हम इसको डर्टी फ्लोटिंग, इसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो वो मैनेज्ड में भी यानी कि वो प्रबंधित है, वो नियंत्रित, अस्थाई, मलिन, तैरती, मैली, ये कई शब्द इसके लिए हम यहां पे प्रयोग कर लेते हैं वैकल्पिक रूप से। तो आपको पता चलेगा कि तीनों क्या है, तीनों में से किन्हीं दो में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने कहा कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करती है कि प्राइस कितना होगा फॉरेन एक्सचेंज का, या यूं कहें कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना होगा। तो डिमांड और सप्लाई को कौन लाता है, कहां से डिमांड जनरेट होती है, कहां से सप्लाई जनरेट होती है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के और सप्लाई के सोर्सेज मैंने यहां पैरेलली साथ साथ लिख दिए हैं। रीजन क्या है कि एक से इनफ्लो होता है और से उसी का जो पैरेलल ऑपोजिट होता है उससे आउटफ्लो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। इनफ्लो यानी अंतर्गमन और बहिर्गमन हो सकता है, आउटफ्लो। यहां पे देखिए सोर्सेज ऑफ डिमांड मैंने आपके सामने यहां पे इस तरफ इस पैनल में लिखे हुए हैं और सोर्सेज ऑफ सप्लाई इस तरफ लिख दिए हैं। आप देखिए पैरेलली साथ साथ वो चल रहे हैं और आप बहुत अच्छे से इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए मैंने आमने सामने लिखे हैं ये। इंपोर्ट अगर कोई कंट्री का बिजनेसमैन करना चाहता है या कोई कंट्री इंपोर्ट करना चाहती है, तो आप देखिए उसके लिए क्या करना होगा, इंपोर्ट जिस कंट्री से कर रहे हैं उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डोमेस्टिक करेंसी में वो पे नहीं कर सकता वहां पे, तो दैट मींस कि उससे क्या हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड पैदा हो रही है, क्योंकि वहां की कंट्री की करेंसी में पे करना है तो वहां की कंट्री की करेंसी की डिमांड डेफिनेटली हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये डिमांड का सोर्स हो गया। जब फॉरेनर्स हमारे यहां से कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो भी तो हमारी कंट्री की करेंसी में पे करेंगे, दैट मींस कि वो फॉरेन एक्सचेंज यहां ला रहे हैं, बदले में हमारी करेंसी लेना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा सोर्स ऑफ सप्लाई हो जाता है वो, यानी एक्सपोर्ट क्या है सप्लाई के लिए और इंपोर्ट से डिमांड जनरेट होती है, हो गए ना एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। सेकंड पॉइंट देखिए ट्रांसफर पेमेंट्स, हस्तांतरण भुगतान जिसे कहते हैं, बदले में इसके कोई गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट नहीं होता, जैसे गिफ्ट्स है, डोनेशंस है, ग्रांट्स है, ये चीज अगर ये यहां देखिए फॉर लिखा फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी हस्तांतरण भुगतान करने के लिए अगर हमारी कंट्री के लोग ट्रांसफर पेमेंट करना चाहते हैं किसी और कंट्री में, वहां की फॉरेन करेंसी चाहिए ना उनको पेमेंट करने के लिए, तो दैट मींस डिमांड जनरेट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के लिए। अगर फॉरेनर्स हमारे यहां कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहे हैं तो फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट्स इसलिए लिखा है, हस्तांतरण भुगतान से क्या होगा फॉरेन करेंसी आएगी, सप्लाई क्रिएट होगी उससे। इसी तरीके से फैक्टर पेमेंट्स होती है, फैक्टर पेमेंट्स किसके लिए होती है, फैक्टर सर्विसेज के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब के लिए होती है। तो फैक्टर पेमेंट्स अगर हमारे यहां से बाहर करनी है तो उसके लिए वहां की करेंसी चाहिए, तो डिमांड जनरेट हो जाएगी। लेकिन फैक्टर पेमेंट्स अगर हमारे सिटीजन को कहीं और से मिल रही है, फॉरेन कंट्री से मिल रही है, तो वो क्या है वो सप्लाई उससे हो रही है फॉरेन करेंसी की, वो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज वो यहां लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, निवेश, हमारे जो सिटीजन हैं, इकोनॉमिक रेजिडेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, फाइनेंशियल एसेट्स में, वित्तीय जिनको हम परिसंपत्तियां कहते हैं, या फिजिकल एसेट्स में जिनको हम भौतिक परिसंपत्तियां कहते हैं, वहां लैंड परचेज कर ले, शेयर परचेज कर ले, ये सब कर सकते हैं। अगर वो वहां परचेज करना चाह रहे हैं तो वहां की करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा ना उनको, तो डिमांड जनरेट होगी। इसी तरीके से अगर फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आकर के कुछ परचेज करना चाहे, फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट वो परचेज करना चाहे, यानी कि वो यहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं वो हमारी कंट्री में, तो वो क्या लाएंगे फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को यहां लेकर आएंगे, जिससे फॉरेन एक्सचेंज की यहां की मार्केट में सप्लाई क्रिएट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है लेंडिंग, हमारे सिटीजन किसी और कंट्री को ऋण देना चाहते हैं, ऋण प्रदान करना चाहते हैं। कई बार होता है कि हमारी कंट्री भी कुछ और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको
कुछ लोन दे देती है, तो उस केस में वहां की करेंसी चाहिए तो डिमांड जनरेट हो गई। इसी तरीके से अगर हमने बोरोइंग करी है, ऋण ग्रहण किया है, तो ऐसे में ये सप्लाई क्रिएट हो जाती है ऐसे फॉरेन एक्सचेंज की। तो यहां सामने लिखने का फायदा आपको पता चल गया कितना अच्छा है, याद करना कितना इजी है। बेसिकली आपको एक के पांच पॉइंट याद कर लीजिए, उसके ऑपोजिट इंपोर्ट को एक्सपोर्ट में कर देना, फोर को फ्रॉम में कन्वर्ट कर देना, तो आपको सारा का सारा सप्लाई का भी याद आ जाएगा। अब लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का, यहां से तीन या चार नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एक नंबर में डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार तीन नंबर में ही ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वैल्यू दे दी जाती है या कोई केस दे दिया जाता है, और उसमें आपको पहचानना होता है कि डीवैल्यूएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, या रिवैल्यूएशन हुआ है, और क्यों हुआ है, या उसका इंपैक्ट क्या हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट जो है। यहां बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, घूम जाते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए फिक्स लिखा है मैंने और फ्लेक्सिबल लिखा है, एक्चुअली क्या है ये जो नाम है इनमें कंफ्यूजन हो जाता है मोस्टली आप लोगों को, डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ध्यान रखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई डाउन, रिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई अप। यहां पे भी लिख देता हूं मैं, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई अप। फर्क क्या है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में है। अब इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से तीन नंबर चार नंबर के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है। रीजन क्या है, डीवैल्यूएशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, एक जैसे नाम है और इनका इंपैक्ट भी डोमेस्टिक करेंसी पे लगभग एक जैसा ही है, रिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहां समझते हैं, इनको आराम से समझना, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से समझाऊंगा आराम से। यहां क्या है, डीवैल्यूएशन अवमूल्यन, इसमें डोमेस्टिक करेंसी हो गई सस्ती, उसकी वैल्यू हो गई डाउन, और ऐसा ही हुआ डेप्रिसिएशन में भी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई डाउन, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। दूसरा देखिए, रिवैल्यूएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई हाई, स्ट्रॉन्ग हो गई, और इसमें भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई हाई, तो ऐसा लगता है कि रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन तो एक जैसे हैं, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन एक जैसे हैं। हां इनका नेचर एक जैसा है कि दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी पे होने वाला इंपैक्ट एक जैसा होता है, लेकिन फर्क कहां आता है, डीवैल्यूएशन होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। दैट मींस कि जब गवर्नमेंट की वजह से ये डिसाइड हो, गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर दे, तो हम उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। लेकिन इसके विपरीत ऐसा सिस्टम जिसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं, जहां मार्केट फोर्सेस ये डिसाइड करती हैं कि एक्सचेंज रेट में क्या बदलाव आएगा, तो अगर मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देखिए ध्यान से, डिमांड और सप्लाई की फोर्स के इंपैक्ट की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से, अगर डोमेस्टिक करेंसी जिसे घरेलू मुद्रा कहते हैं उसकी कीमत में गिरावट आती है, तो वह कहलाता है डेप्रिसिएशन। दोनों में डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, जब भी आपसे यहां पर डिफरेंस करने के लिए कहा जाए तो आपको बताना है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, ये मार्केट फोर्सेस की तरफ से होता है। रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में भी आपको ऐसे ही पॉइंट बताने हैं, डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होगी दोनों ही केसेस में, लेकिन यहां गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी। यहां किसकी वजह से हुआ, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाए डोमेस्टिक करेंसी की, तो ऐसे में क्या वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स जो है, मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उनके आधार पर जब निर्धारण हो और ये ज्यादा मजबूत हो जाए, इसकी कीमत बढ़ जाए, तो वो कहलाता है एप्रिसिएशन। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भारत की जो मुद्रा है, जो अभी तक 50 रुपए का भुगतान करके $1 में बदली जाती थी, उसको अब सरकार ने कर दिया कि ₹60 $1 के बराबर होगा, तो यहां डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, वीक होगी, उसकी वैल्यू डाउन हो गई। $1 के बराबर पहले ₹50 थे, अब ₹60 मिलकर के $1 के बराबर हो पाते हैं, तो ये डिवैल्यूएशन कहलाया क्योंकि गवर्नमेंट ने किया। यही बदलाव अगर यहां हो जाता कि डेप्रिसिएशन जो है
वो हो जाए मार्केट में डिमांड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से, जो पहले एक रेट था एक्सचेंज का 50 रुपीज के बदले में $1 था, अब वो हो गया 60 रुपीज $1, तो ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा। चेंज यहां पे भी उसी तरीके का आ रहा है, लेकिन रीजन कुछ और है, डिटरमाइनिंग फोर्स निर्धारण करने वाली शक्ति कुछ और है, यहां बाजार है यहां सरकार है। और इसी तरीके से हम रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बदलाव आ जाए, मान लीजिए ₹50 का $1 जो था उसके हम देखें कि ₹40 हो गया, ये ₹40 हो गया रेट चेंज होकर के, तो अब हम देख सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी कम पे करनी पड़ रही है $1 के बदले में। दैट मींस कि रुपया जो है वो मजबूत हो गया, अब कम रुपए देकर के $1 हमें मिल जाता है। लेकिन ये निर्धारण किसने किया? ये सरकार ने किया, गवर्नमेंट ने किया, तो इसलिए ये कहला है रिवैल्यूएशन, क्योंकि फिक्स सिस्टम में था। और ऐसा ही बदलाव अगर इधर आ जाए लेकिन डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से आए, और जो पहले ₹50 का भुगतान करके $1 मिलता था वो अब ₹40 का रेट हो जाए बाजार शक्तियों के कारण, तो वो कहलाता है एप्रिसिएशन। तो बस अंतर यही है कि मार्केट सिस्टम और गवर्नमेंट, यहां पे ये बदलाव है बस। आई होप कि सारे टॉपिक जो है आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे ढंग से। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर टाइप करके बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर ये अच्छी लगी तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक, जिसे कहते हैं भुगतान संतुलन। उसमें से कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है इस बार के सिलेबस में, कंप्लीट वो आपके कोर्स में है इस बार। सो बने रहिए YouTube चैनल क्लिक इकोनॉमिक्स पे। बाय बाय, टेक केयर।